और इतना अच्छा काम हुआ। इतना यहाँ से हमारी होती है सुबह 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 मैं जैसे उठी हूँ राबिया बाजी के घर के सामने, देखो ये बाजार लगता है बिल्कुल इनके घर के सामने जहाँ पर हमने गाड़ी रात खड़ी की थी। ये पूरा बाजार है। जब हम नीचे गेट से जाएंगे ना फिर आप देखना ये पूरा दरवाजे तक बाजार लगा हुआ है। तो आज है जुम्मे का दिन तो यहाँ पे लगती है जुमा बाजार। और ठहरो थोड़ा यहाँ से देखते हैं। ये देखो इतना ज्यादा शोर है, पता नहीं कहाँ तक है। ये मैंने पहली बार देखा घर के सामने बाजार। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पर हमारी सुबह हो गई है। यहाँ सुबह थोड़ा जल्दी होती है, जल्दी जल्दी सबने नाश्ता किया है, व्लॉग एडिट किया। आज व्लॉग भी आपको मेरा कल वाला व्लॉग टाइम पे मिला होगा। तो बस अभी हम चलते हैं यहाँ की बाजार। ये जो घर के सामने लगी हुई है ये वाली नहीं, तकरीबन यहाँ आधा घंटे का सफर है। आधे घंटे बाद आएगी अच्छी सी मार्केट आएगी। अच्छा 12 मिनट का है तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से हम बच्चों की शॉपिंग करेंगे। बाहर आयत के रह गए थे, जल्दी से ये वाला काम करूँ फिर सुकून से मैं गांव में बैठी रहूँगी और वहाँ पर अच्छे से अच्छे हम फंक्शन कर पाएंगे, वरना मुझे टेंशन लगी रहेगी बच्चों के कपड़ों की। और ये देखो ये है जुमा बाजार जो राबिया बाजी के घर के सामने देखो लगी हुई। अभी तो काफी कम हो गई, पहले रश काफी ज्यादा था। 12 बजे तक चलती है बस। 12 बजे के बाद देखो अब सब ने खाली भी कर लिया, पहले इतना रश लगा हुआ था सुबह के टाइम। और चलो हम जाएंगे इस साइड, वहाँ पर खड़ी हमारी गाड़ी। यहाँ पे देखो फ्राइज वाला भी आया हुआ है। मेरी गाड़ी आ गई और एंड तक देखो बाजार देखो। इस साइड पर है राबिया बाजी का मैका, ये इस साइड पर देखो। ये कोई टाइम लगा है, 5 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ पर पहुँच भी गए। इस बाजार में ना मैं पहली बार आ जाई। गाइस ये देखो ये रंगीला बाजार है। हाँ इस बाजार को रंगीला बाजार बोलते हैं। यहाँ पे रश चेक करो कितना ज्यादा यहाँ पर रश है। अभी भी चलकर थोड़ा सा हमने आगे जाना जो स्पेशल बच्चों की शॉप है। रंगीला बाजार से गुजर के शहजाद मार्केट में सुना है कि बाजार बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। जुम्मे का दिन भी है तो शायद कुछ शॉप बंद भी है। अच्छा वाला भी एक अच्छा लग रहा है, सारे येलो येलो आ रहे हैं। इसमें वो पिंक भी है ना, एक कलर सब में मिल जाएंगे। ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हो गया, ये भी प्यारा लग रहा है। काम तो वैसे इन सब का प्यारा है ना। और एक ये गोल्डन में भी है। स्लीव्स देखो इसकी कितनी प्यारी बनी हुई है। ये देखो ये वाला काम मैं कब से ढूंढ रही थी कि ऐसे मिले। हाँ कि बड़ों के तो ऐसे बहुत वहाँ मिल रहे थे, छोटे बच्चों के ऐसे नहीं मिल रहे थे। बहुत खूबसूरत लहंगा मिल गया देखो, लेकिन मिला भी तो है तो सारे ये मायो मेहंदी वाले कलर में। अच्छा, लहंगा चोली बहुत प्यारी लगेगी इसका। हाँ, पीछे से भी बहुत प्यारा है पीछे। हाँ ये बहुत खूबसूरत है। अगर सबसे छोटा बेटा ये होगा इसमें बड़ा जितना मर्जी बड़ा सबसे छोटा, लेकिन इनका काम देखो कितना अच्छा है ना। और इसके साथ का दुपट्टा देखो छोटा सा, इस पे भी लेस लगी सारा बना हुआ। लॉन्ग मैक्सी पहनेंगी बच्चियां। ये अच्छा लग रहा है। और ये इसके साथ सही शरारा है, अच्छा लगेगा जैसे शादियों के बड़ों के होते हैं। चलो एक एक फंक्शन के लिए तो ले लिया, अभी हम दूसरी शॉप पर आए तो यहाँ दूर से ही बाहर से दिख रहा है कि बच्चों के कितने प्यारे कपड़े हैं, यहाँ बड़ों के भी काफी प्यारे हैं। और इतना अच्छा काम हुआ, इतने आम है यहाँ पर। वहाँ तो मैं कब से ढूंढ रही थी मिल नहीं रहे थे, यहाँ कितना आम है ये देखो। यहाँ पर जो है ना मैं जितना भी घूम रही हूँ ना, अभी तो आज फ्राइडे है ना, काफ़ी सारी शॉप यहाँ पर बंद है और जितना खुली हुई है ना हर शॉप पर एक से एक काम और इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं यहाँ पर बहुत है। ये देखो एक ये भी लहंगा चोली है, इतना खूबसूरत देखो, एक से एक कपड़ा है यहाँ पर छोटे बच्चों का। जैसे बड़ों के होते हैं ना वैरायटी में, ऐसे ही बच्चों के भी यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी में। और देखो ये लहंगा चोली कितना प्यारा लग रहा है। कपड़े मिल चुके हैं, कब से पूरे बाजार में हमने कपड़े ढूंढे, कहीं कलर का साइज नहीं था, कुछ कलर कम मिल रहे थे। तो आप सबके बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि आप जो है ना थोड़ा डिफरेंट कलर लें, क्योंकि सेम ड्रेस मत लेना, ऐसा लगता है जैसे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हो। अब दोनों बच्चियाँ बड़ी हो गई, थोड़ा डिफरेंट लो। तो आज मैंने सब डिफरेंट लिए, एक जैसा किसी का भी नहीं मिला। सब बारात वाला मिला है ना, मिल गया। हाँ एक जैसा सिर्फ बारात वाला मिला, बाकी डिफरेंट मिला। रिक्शा पकड़े और वापस जाते हैं। हमारी गाड़ी तो अंदर बाजार में आ नहीं सकती थी, तो बाजार काफी बड़ा है, चल चल के थक गए और वापसी पे फिर हमने ये ऑटो पकड़ा। पहुंच गए, अभी मेरे हस्बैंड को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा लगा बाबा, बहुत अच्छा लगा। बाजार बहुत अच्छा लगा और सस्ता भी बहुत है। आज नहीं पहने हम, शादी वाले दिन पहनेंगे। आज मैं एक बात भी नहीं कर पा रही, खांसी आदमी को बहुत ज्यादा हो रही है। गजरे पहनाने की
बहुत प्यारे लग रहे हैं वो। और देखो कितने फ्रेश फ्रेश फ्लावर है, इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरे नेल्स के साथ भी मैच हो रहे हैं। और ये देखो ये रही हमारी गाड़ी, आपको हम दिख नहीं रहे थे, बहुत टाइम लगाया लेकिन कपड़े मिल गए। चलो ये देखो राबिया बाजी ने मुझे पहनाया, कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। शादी अब तो हर तरफ फूल ही फूल, फूल ही फूल होंगे अब तो शादियों में। और भी हमने बहुत पहने आज जो है ना, शुरुआत राबिया बाजी ने कर दी है। फूलों के बीच में मैं हूँ। अच्छा। मैं कहती हूँ ऐसे हंसती मुस्कुराती रहो फूलों की तरह। और जब से खाना कम किया है ना तब से ज्यादा खाया तो नहीं जाता, अभी मैंने सोचा सूखी हूँ। यहाँ फिश भी बहुत अच्छी होती है, फिश साजिद भाई को बहुत पसंद है ना, इनको यहाँ की फिश बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे ना पंजाब की शवरमा बहुत बोलेंगे। एक तो राबे बाजी मैंने ऐसा नेल कलर लगाया है, कहेंगे कोई नया दूल्हा दुल्हन यहाँ पर आए हुए, गजरे पहने हुए। लोगों की शाम जो है रंगीन बनाना चाह रही है, आपको याद रहेंगे। अच्छा एनिवर्सरी का गिफ्ट है जो खाना खिलाने। अच्छा जहाँ पे मुझे कोई कुछ थोड़ा सा दिला रहा होता है ना वहाँ पे ये कहते हैं ये मेरी तरफ से। अभी राबिया बाजी इतना अच्छा मुझे यहाँ पर डिनर कराने के लिए लेकर आई है तो कहता है ये मेरी तरफ से एनिवर्सरी। डेकोरेशन भी की। हाँ देखो डेकोरेट भी कर दिया। मैं गरम सूप जो है वो रेडी होके आ चुका है और अभी फिश है और फिश भी आ गई है। और फिश जो है ना राबिया बाजी की फेवरेट है और फिश मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। मेरी फिश के साथ पता नहीं क्यों इतनी दिल नहीं है, खाती हूँ थोड़ी बहुत लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं। फिश बहुत अच्छी चीज़ है। सूप मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने खाना खा लिया और अभी हम चलते हैं घर। देखो बच्चों ने पीछे क्या हालत की हुई है, बच्चों को जाकर देखिए। एक चीज़ मैं बताऊँ, जैसे इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है ना, वैसी नहीं है यहाँ पे। इस्लामाबाद में ना ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे हम ऐसा घूम रहे हैं ना इतना पता नहीं चल रहा, बल्कि यहाँ की हवा ना ठंडी और अच्छी लग रही है, मज़े की हवा लग रही है, मज़ा भी आ रहा है। और हम यहाँ पर आए थे अपने जब घर होते हैं वहाँ तो थोड़ा लेट उठते हैं, यहाँ गांव में हर कोई जल्दी उठ जाता है तो जल्दी उठे ना, अभी से नींद भी आ रही है। यहाँ से हम गए थे पूरा यहाँ पे दिन में जुमा बाजार लगा हुआ था, अभी देखो सब चले गए यहाँ से। बच्चे पता नहीं जाग रहे हैं या सो गए ना, सच में ये अभी क्या टाइम हो रहा है अभी 6:30 बज रहे हैं और ऐसी नींद आ रही है ऐसे जैसे वहाँ पर ना अपने घर में। कैसे मेरा मुन्ना? ठीक हूँ। क्या किया पूरा दिन? कुछ नहीं। बोर तो नहीं हो गए? हो गया हूं। बोर हो गए हो? इसको अभी गांव जाने के कि गांव चले, अभी गांव निकलना था, कपड़े देखते इतना टाइम लग गया। कपड़े मिल गए आपके? अभी सरप्राइज है, अच्छे मिले आपके भी। और आयत कहाँ है? सो गई आयत भाई, सो रहे आयत भी इधर सो गई। चलो बच्चे भी देखो जल्दी सो गए हैं। चलो बिस्तर देखो टाइम पर अभी से लग चुके हैं, वैसे भी नींद आ रही है बहुत ज्यादा। उसका देखो शेर खान जैसे मम्मा के नेल्स लग रहे ना। गाइस हमारे साथ शादी अटेंड करने नबीता भी है। नबीता बंद है क्योंकि भाग जाता है, अभी से खोल लेते हैं। आ जाओ नबीता मजे करो, कल तक फिर आप वापस ऐसे बंद रहोगे क्योंकि कल तो फिर हम गांव में होंगे उधर। तैयबा आपको भी आपकी फ्रेंड फातिमा मिल गई है। हाँ जी तैयबा को दो दो फ्रेंड मिली। हाँ जी बाहर अभी मैंने खोल दिया उसे। हाँ जी बंद करना, अभी यहाँ पे शादी की प्लानिंग चल रही है कि क्या क्या करना है। हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है। दूसरा बबरची का इंतजाम, टेंट शामियाना, लाइटिंग का तो जहर भाई ने दिखाया था ना, जहर इंतजाम कर रहे हैं, प्लानिंग बन रही है। के पापा पता है क्या बोल रहे हैं, ढोल वाले को ले उसका मैं इंटरव्यू लूंगा। कहते दो चार ढोल वाले आएंगे उनका इंटरव्यू लेके उनका बारी बारी पर सब बजा कर दिखाएंगे। पता चलेगा किसका ढोल अच्छा है। मम्मा आपकी आंखें छोटी छोटी हो गई क्योंकि आप नींद से उठी। मेरी भी ऐसी छोटी हो जाती है जब मैं उठता हूँ। मुझे हंसी आ रही है कि ढोल वाले का इंटरव्यू। और मुझे एक बात कैसे है, जहर भाई ने अभी मुझे एक कार्ड दिखाया जिसपे लिखा हुआ था एक चूहा 60 रुपए में। वो पाकिस्तान में जो है इंट्रोड्यूस हो गया है कार्ड, बकायदा उसने फेसबुक पे दिया है अपना, अपना पूरा कार्ड नंबर सब कुछ दिया हुआ। एक चूहा अगर आपके घर में चूहे है ना अगर पकड़ेगा फी चूहा वो 60 रुपए लेगा। अच्छा जितने चूहे पकड़ेगा हर चूहे के 60 रुपए लेगा। उसने पूरा जैसे शॉप का कार्ड होता है उसने पूरा कार्ड नंबर सब कुछ एड्रेस मेंशन किया हुआ। हमने देखो पीनट्स खाई हैं, अभी चाय भी हमारी बनकर आ गई है और ये मजेदार स्पेशल चाय हमारे लिए आसमा ने बनाई है।
शायद भाई ने इजाजत दे दी है, राबिया बाजी अपना फेस रिवील करेगी। ऐसा ना, ऐसा ना बोले, व्यूज नहीं आएंगे। बातें करते अभी जो गांव में मजा आने वाला ना, जो हम वहां गांव। अच्छा, फिर शादी से फेस रिवील तक का भी प्लान बना लिया। और ये इस शादी में दो दो फेस रिवील एक शादी की प्लानिंग करते करते फेस रिवील का भी साथ में प्लान हो गया है। एक तो समझ आ रहा है, वो तो चलो ठीक है। दूसरे पे मेरे देवर भाई को जो है जेलस हो रहा है। वो तो ना ही हो तो अच्छा है। राबे बाजी का जो है फेस रिवील करेंगे, दुल्हन का तो चलो समझ आ रहा है, अब राबिया बाजी का समझ नहीं आ रहा। ये ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जो वन ऑफ टेन या थ्री ऑफ टेन फोर ऑफ टेन चलती है वीडियो, वो फिर माइनस टेन में चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो, जाहिद भाई ने इतने पुराने टाइम की सारी तस्वीरें संभाल के रखी है। आपके चाचू ने देखो, अपने पापा को देखो इसमें, जो पीछे बॉल पकड़ रहे आपके पापा है। देखो जो सही, और ये देखें ये जाहिद भाई की तस्वीर, और कौन सी है ये मेरे निकाह की, और ये रही मेरे निकाह की। ये वाली तस्वीर पे इतना साफ नहीं दिख रहा कोई। मरियम कितनी छोटी है यहाँ पे, मरियम और फातिमा जाहिद भाई हैं, और ये पीछे बॉल पकड़ते हुए। आपको बहुत ज्यादा शौक था। मैं बैट्समैन हूँ जी, मैं बैट्समैन हूँ जी, और साजिद भाई जो है कीपिंग कर रहे हैं। देखो अभी ये दूसरी पिक्चर, इनको जहाँ पे भी देखो पुराने टाइम की बचपन की इनकी जितनी भी तस्वीरें ना, सारी बैट के साथ है, या कहीं बॉल पकड़ रहे हैं या बैट पकड़ा हुआ है। इतना ज्यादा इनको क्रिकेट का शौक था। तस्वीर में नहीं आने देते थे। हाँ, ये देखो यहाँ पीछे छुप गया। नहीं आने देते थे तस्वीर में, वो इतना शरारती था। पीछे से भी देखो आया हुआ, ये देखो पीछे से छुप के देखो आए हुए कि मैं भी पिक्चर में आ जाऊँ। ये दिन की रोशनी में थोड़ा साफ दिखेंगी, बिल्कुल भी साफ नहीं, धुंधली तस्वीरें आ रही हैं। देखो अभी सब जा चुके हैं, तो अब सबके बिस्तर यहाँ पर लग चुके हैं। खैर बिस्तर तो पहले भी लगे हुए थे, यहाँ पर सब सो रहे हैं, इनके पापा को वो जगह मिली है। मुस्तफा आप क्यों घूम रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मस्ती कर रहे हो। क्या हुआ है? हाँ कुछ नहीं हुआ, मिमिक्री कर रहे सबकी कि व्लॉग कैसे बनाते पापा बनाते हैं। तो गाइस अभी ये गए, मुर्गियों को खाना पानी दे दिया। ये अपने पापा की एक्टिंग कर रहे हैं। ये मुर्गी का अंडा पड़ा, ये मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा। ये गाइस मैं अंडा फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फिर हम सेफ करते रहते हैं। बस बहुत होगी पापा की एक्टिंग। चाचू जी हाँ व्लॉग बनाते हैं, कैमरा उठाया। हाँ जी सही बात, वो बल्ब चमक रहा है। अम्मा का गेम एंजॉय हो रहा है। अब आएंगे कमरे में और व्लॉग ऐसे कैमरा, ऐसे कैमरा खोलेंगे ये जहाँ से ऐसे, उन्होंने वहीं पे बंद कर देते हैं जो उनका दूसरा मोबाइल, जैसे व्लॉग बनाते हैं ऑन किया साइड वाले बटन से खोलता है ऑन होता है, और ऐसे फिर ऑन का ऐसे बटन दबाएंगे, अम्मा के पास जाएंगे, एंजॉय हो रहा है। और फिर वो देखे, वो देखो बल चमक। आज पूरा दिन कैसा रहा दिन आपका? बहुत अच्छा, बोर तो नहीं हुई यहाँ पे? फातिमा है ना इसके साथ, बोर नहीं हो रही? फातिमा के साथ आओगी? हमने सुबह निकलना है यहाँ से अपने गांव की तरफ, वो एक दिन बाद फिर आ जाएगी। अच्छा, हमारी फैमिली में एक आंटी है, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो एक बार मैंने उनका व्लॉग देखा, 42 मिनट्स का व्लॉग था, 42 मिनट का व्लॉग, मैंने उसमें देखा तो वो ऐसे ऐसे उठा के घूमती है, किसी से बात कर लेती है, हो जाता है वो, और बस ऐसे घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। अच्छा, हाँ वो कर देना। हाँ मैं आती हूँ। आज मुस्तफा पूरी फैमिली वालों की मिमिक्री कर रहे हैं, पहले सबसे पहले इसने अपने पापा की किए। जी व्लॉग बन रहा है। हाँ जी व्लॉग बन रहा है। अरे मेरी बेबी का इतना प्यारा ड्रेस मिला है, आयत का इतना प्यारा ड्रेस मिला है शादी का। मेरा मोबाइल कहाँ? आपका नोबिता कहाँ है? अच्छा चलो, हंसा हंसा के मुस्तफा ने ना मेरे पेट दर्द कर दिए, तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करती हूँ एंड। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अभी मेरी मिमिक्री हो रही है ना, दिख गया मेरी मिमिक्री हो रही है। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पूरी फैमिली की सबकी मिमिक्री कर रहा है कि इतने 40-45 मिनट के व्लॉग बनाते हैं, और पता नहीं इनको एडिट कौन करके देते हैं, एडिटर कौन है जो सारा। हाँ बेटा एंजॉय हो रहा है। हाँ एंजॉय हो रहा है, खांसी का भी, मम्मा को भी हो रही है ना, तो मैं अभी खांसी का डाल देती हूँ। आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना। राबिया बाजी ने सर में ऑयलिंग किया, सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश होके फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी आज जो कपड़ों वाली टेंशन थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो खत्म हुई, अच्छे कपड़े मिल गए हैं सबके। अब ये तैयारियाँ हो गई हैं कंप्लीट, अब घर जाकर शादी की तैयारियाँ शुरू करते हैं, तो वो सब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फातिमा अल्लाह।
दीजिए इजाजत। डकी भाई की कर रहे, चलो डकी भाई का स्टार्ट। हेलो जी, तो अभी जो है अरुबाई नहीं हुई, पूरा घर गंदा है। और जो है अभी अरुबा जाएगी तो वो साफ करेगी। उस जो पर ये नौकरानी है घर की, सॉरी गाइस, अभी मायके गई है। तो आई, ये देखो ब्रेड है, ब्रेड ये मार दी। हेलो जी, तो अभी जो है पूरा कमरा गंदा हुआ, अरुब नहीं है घर पे।